और यहाँ पर हम लोग आए हैं इस विषय पर कि जो गांधी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की विभिन्न विभागों में नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें जो हमारे आंतरिक उम्मीदवार हैं जो पिछले 10-15 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में जब भी विज्ञप्तियाँ निकलती हैं तो सर्वप्रथम आंतरिक उम्मीदवारों को जगह दी जाती है, उनके लिए विज्ञप्ति निकलती है। ऐसा पहली बार हुआ है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में के 22 पदों पर एक पर भी आंतरिक उम्मीदवार को सिलेक्ट नहीं किया गया। तो उसके कारण जो हमारे चिकित्सक हैं जो गांधी मेडिकल कॉलेजों में पिछले कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं वो ये सोचने पर विवश हो गए हैं कि आखिर हम सरकारी नौकरी क्यों करें, क्योंकि जब प्रमोशन की बात आती है या पदोन्नति की बात आती है तो उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो शासन मध्य प्रदेश शासन में नहीं है या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, अगर उनको लिया जा रहा है तो फिर उनके साथ अन्याय है। और इसीलिए आज सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मंत्री जी को अपनी व्यथा बताने के लिए और ये नियुक्तियाँ वो कैंसिल करें और सर्वप्रथम जो आंतरिक उम्मीदवार हैं उनको जगह दें। मैं पिछले 16 साल से 2004 दिसंबर से इस डिपार्टमेंट में लगातार काम कर रही हूँ, लेकिन अब जब विज्ञप्ति निकली है तब उसको बाहर वाले को बुला के उन्होंने बाहर वाले को ले लिया और हम बैठे रह गए। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, जनरल कैटेगरी की सीट सालों में निकलती है। 2018 में भी मैं एलिजिबल थी लेकिन किसी और को, क्योंकि वो दूसरी कैटेगरी की थी। अब आगे आने वाले समय में पता नहीं कितने सालों बाद जनरल की फिर से सीट आएगी। हम अपना सब काम धाम छोड़ के कोविड में हम लोग को बिल्कुल फ्रंट लाइन पे, हर पेशेंट के घर पे बिल्कुल फ्रंट लाइन पे, और जितने यहाँ के VIP हुए थे, जितने विधायक के घर में, मैं खुद पर्सनली गई हूँ। कुणाल चौधरी के यहाँ, सकलेचा जी के यहाँ मुझे खुद स्पेशली भेजा गया है मेरी टीम का हेड बना के। हम लोग ने कोविड में इतना काम किया है, हमारे डिपार्टमेंट ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में इतना काम किया और सारे VIPs के घर में मुझे भेजा गया था। और उसके बाद जब विज्ञप्ति निकलती है तो हमें बिल्कुल बाईपास कर दिया जाता है, हमारे को कहीं भी स्टैंड नहीं करते। हमारे डिपार्टमेंट में एक पद की वैकेंसी थी जिसमें 20 लोग को शॉर्टलिस्ट किया गया था, 20 लोगों में से जिसमें दूसरे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तक लोग आए थे, प्राइवेट कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर तक के लिए आए थे। जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही कार्यरत है, उनसे हमारा कॉम्पिटिशन कराया गया।